ओके, आज स्टार्ट करेंगे हम अपना न्यू चैप्टर. इसके दिस चैप्टर इज अबाउट सॉर्टिंग. ठीक है, अब हम जितने भी सॉर्टिंग के एल्गोरिथम्स हैं वन बाय वन उन सबको देखेंगे. जितने आप लोगों ने एल्गोरिथम पढ़ लिए हैं उनको हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे. बाकी जितने भी सॉर्टिंग एल्गोरिथम दिए हुए हैं अब हम वो पढ़ेंगे. ठीक है, अब सबसे पहले सॉर्टिंग होती क्या है? व्हाट इज सॉर्टिंग? Sorting refers to arranging a set of data in some logical order. ठीक है, या तो ascending order में data को set किया जाता है या descending order में. Sorting means to sort some data. अब कितने type की sorting होती है? Two types की sorting होती है. देखते हैं कौन कौन सी होती है. Sorting is sorting एक ऐसी problem है जिसके ऊपर बहुत सारे algorithm के design मौजूद हैं. ठीक है, आप लोगों ने भी देखा होगा कि सबसे पहले आपने बबल सॉर्ट पढ़ा, फिर क्विक सॉर्ट पढ़ा, मर्ज सॉर्ट पढ़ा, और इस सेमेस्टर में मैं आप लोगों को पता नहीं कितने सॉर्टिंग एल्गोरिथम पढ़ाऊंगी. सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, हीप सॉर्ट. क्यों भाई, एक ही प्रॉब्लम के इतने सारे सॉल्यूशन इसलिए हैं क्योंकि भाई एफिशिएंट सॉल्यूशन जो कि कम टाइम में सॉर्टिंग करके दे वो अब तक नहीं मिला है, या जो मिला है उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम देखते हैं कि क्या है. अब वन बाय वन हम कंपेयर करेंगे कि कितने सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स हैं, क्यों इस ये वाला सॉर्टिंग एल्गोरिथम दूसरे वाले से बेटर है इन टर्म्स ऑफ टाइम और इन टर्म्स ऑफ स्पेस. ठीक है, वी आर गिविंग अ सीक्वेंस ऑफ आइटम. कुछ आइटम होते हैं ईच एसोसिएटेड विद अ गिवन की. की क्या है? की इज द वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू जो कि अरेंज करनी है. ठीक है, अगर 1, 2, 3, 4 है तो 1 की है, 2 भी की है, 3 भी की है. एंड द प्रॉब्लम इज टू अरेंज द आइटम सो दैट दे आर इन एन इंक्रीजिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर बाय द की. ठीक है, ये हमारी प्रॉब्लम है, सॉर्ट करना है डेटा को. देर आर टू कैटेगरीज. सॉर्टिंग को हम टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. नंबर वन इज इंटरनल सॉर्टिंग, नंबर टू एक्सटर्नल सॉर्टिंग. क्या है भाई इंटरनल सॉर्टिंग? इंटरनल सॉर्टिंग वो सॉर्टिंग जिसके अंदर हमें कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं करनी पड़ती. मतलब अगर हम डेटा को सॉर्ट कर रहे हैं, एक एरे का साइज है एन, उसके अंदर एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, उन्हीं को स्वैप करके हम डेटा को सॉर्ट कर दें तो उसको कहते हैं इंटरनल सॉर्टिंग. एक्सटर्नल सॉर्टिंग क्या होती है? जिसमें हम एक्स्ट्रा स्पेस यूज करें. ठीक है, क्या है इंटरनल सॉर्टिंग? इफ ऑल द डेटा दैट इज टू बी सॉर्टेड कैन बी एडजस्टेड एट अ टाइम इन मेन मेमोरी देन इंटरनल सॉर्टिंग मेथड आर यूज. एरे का साइज है एन और उस एन ही एलिमेंट्स की स्पेस को हमने यूज करते हुए सॉर्ट किया है डेटा को तो उसको हम कहते हैं इंटरनल सॉर्टिंग. एक्सटर्नल सॉर्टिंग क्या होती है? कि भाई अगर हमें कुछ एक्स्ट्रा स्पेस यूज करनी पड़े अपने डेटा को सॉर्ट करने के लिए. एंड द डेटा टू बी सॉर्टेड कैन नॉट बी अकोमोडेटेड इन द मेमोरी एट द सेम टाइम एंड सम हैज़ टू कीप इन ऑक्सिलरी मेमोरी देन एक्सटर्नल सॉर्टिंग मेथड्स आर यूज. ठीक है, एक्सटर्नल सॉर्टिंग में हमारे पास आ जाता है मर्ज सॉर्ट. मर्ज सॉर्ट के लिए हमें एक्स्ट्रा स्पेस की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि हम डबल उसी के साइज का एरे बनाते हैं. ठीक है, मोस्टली हमारी कंसीडरेशन किस पे है? इंटरनल सॉर्टिंग. अब एक होती है स्टेबल सॉर्ट, एक होता है अनस्टेबल सॉर्ट. क्या है भाई स्टेबल सॉर्ट? इफ अ सॉर्टिंग एल्गोरिथम आफ्टर सॉर्टिंग द कंटेंट्स डज नॉट चेंज द सीक्वेंस ऑफ सिमिलर कंटेंट्स इन विच दे अपीयर इज कॉल्ड स्टेबल सॉर्टिंग. क्या है भाई स्टेबल सॉर्टिंग? अब आप यहाँ पे देखो एक एरे है, एरे का साइज 10 एलिमेंट्स हैं, 0 to 9, 9 अपर बाउंड है इसका मतलब 10 एलिमेंट्स हैं. इसके अंदर दो की वैल्यूज, ठीक है, इसको की वैल्यू कहते हैं. दो वैल्यूज, मैं की वर्ड यूज नहीं कर रही, आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ, प्रीवियस स्लाइड में था इसलिए मैंने बोल दिया. दो वैल्यूज जो है उनकी वैल्यू सेम है, एक है 26 दूसरी भी है 26. जब आप इस डेटा को सॉर्ट करोगे तो सॉर्ट होने के बाद जो की वैल्यू पहले अपेयर हुई है और आफ्टर सॉर्टिंग रिजल्ट वो वैल्यू पहले आए तो उसको हम कहते हैं स्टेबल सॉर्ट. ठीक है, यहाँ पे जो पहला 26 था वो 6th इंडेक्स पे था. ठीक है, सॉर्टिंग के बाद ये जो 6th इंडेक्स वाली वैल्यू है ये 3rd इंडेक्स पे आ गई और जो दूसरा 26 है वो 8th इंडेक्स पे है. सॉर्ट होने के बाद ये आया 4th इंडेक्स पे, मीन्स इसका सीक्वेंस चेंज नहीं हुआ. ठीक है, this type of sorting is called stable sort. ठीक है, इस type की sorting को हम कहते हैं stable sort. और unstable sort क्या होता है? Not a stable sorting.
जिसके अंदर अगर सेम की वैल्यूज अपेयर हो रही हैं, ठीक है, 26 26, पहले जो बाद वाला 26 है वो सॉर्टिंग आफ्टर सॉर्ट डेटा में पहले अपेयर हो गया, ठीक है. इस किस्म के जो सॉर्टिंग एल्गोरिथम है उनको हम कहते हैं देज आर नॉट स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम. ठीक है, कभी कभी आप लोगों से ओरली पूछ भी लिया जाता है, सवाल पूछा जा सकता है आपको से कि स्टेबल सॉर्ट और नॉट स्टेबल सॉर्ट में क्या डिफरेंस है. तो क्या डिफरेंस है, मेन डिफरेंस इज कि अगर सेम की वैल्यू वाले दो या दो से ज़्यादा आइटम मौजूद हों आपके डेटा में बिफोर सॉर्ट और आफ्टर सॉर्ट उनका सीक्वेंस सेम ही हो जैसे वो पहले वाले में अपेयर हुए थे, जैसे इनपुट में अपेयर हुए थे, दैट इज कॉल्ड स्टेबल सॉर्ट. ठीक है, अनस्टेबल में यहाँ पे देखो सीक्वेंस चेंज हो गया, तो 8 नंबर पे 26 था वो पहले अपेयर हो गया और जो 6 नंबर पे 26 था वो बाद में अपेयर हुआ. तो ये स्टेबल सॉर्ट नहीं है, ये नॉट स्टेबल सॉर्ट है. ठीक है, इफ अ सॉर्टिंग एल्गोरिथम आफ्टर सॉर्टिंग द कंटेंट्स डज नॉट चेंज द सीक्वेंस ऑफ सिमिलर कंटेंट इन विच दे अपेयर इज कॉल्ड स्टेबल सॉर्टिंग. क्लियर. इफ अ सॉर्टिंग एल्गोरिथम आफ्टर सॉर्टिंग द कंटेंट्स चेंज द सीक्वेंस ऑफ सिमिलर कंटेंट इन विच दे अपेयर इट इज कॉल्ड अनस्टेबल सॉर्टिंग. ठीक है, अब हर एल्गोरिथम या तो इंटरनल होगा या एक्सटर्नल होगा, या स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा. ठीक है, इंटरनल क्या सेम मेमोरी के अंदर सॉर्ट करके दे दे, एक्स्ट्रा स्पेस यूज ना करें. एक्सटर्नल क्या, जो कि एक्सटर्नल स्पेस यूज करे, एक्स्ट्रा स्पेस यूज करे अपार्ट फ्रॉम दैट एरे साइज. क्लियर है ये दोनों कॉन्सेप्ट. आगे चलते हैं, एफिशिएंसी ऑफ सॉर्टिंग एल्गोरिथम. द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सॉर्टिंग एल्गोरिथम मेजर्स द रनिंग टाइम ऑफ द फंक्शन इन विच एन नंबर ऑफ आइटम्स आर सॉर्टेड. ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करनी है डेफिनेटली, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे वो फंक्शन, जितने नंबर ऑफ टाइम्स चला वो टाइम होगा उस सॉर्टिंग एल्गोरिथम का. द चॉइस ऑफ सॉर्टिंग मेथड्स डिपेंड ऑन द एफिशिएंसी कंसीडरेशन फॉर डिफरेंट प्रॉब्लम. अब डेफिनेटली बबल सॉर्ट है, बबल सॉर्ट कब अप्लाई होगा डिपेंड करता है आपकी जो कंडीशन है. अगर आप उसको कंसीडर करते हो कि वो जल्दी सॉर्ट करके देगा डेटा को, तो बबल सॉर्ट इम्प्लीमेंट करो, या और भी डिफरेंट एल्गोरिथम है, क्विक सॉर्ट है. तो ये कह रहा है कि भाई जो हमारी चॉइस है कि हम कौन सा सॉर्टिंग एल्गोरिथम लें, ये हमारी एफिशिएंसी, हमारी प्रॉब्लम की एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है. ठीक है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ दीज कंसिडरेशन आर, ये थ्री आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. द लेंथ ऑफ द टाइम स्पेंड बाय द प्रोग्रामर इन कोडिंग पर्टिकुलर सॉर्टिंग एल्गोरिथम. ठीक है, अब प्रोग्रामर की मर्जी, अगर उसको जो कोड ईजी लगता है वो उसको इम्प्लीमेंट करेगा, या द अमाउंट ऑफ मशीन टाइम नेसेसरी टू रन द प्रोग्राम, द अमाउंट ऑफ मेमोरी नेसेसरी फॉर रनिंग प्रोग्राम, डिपेंडिंग ऑन दिस कंडीशन. तो जो प्रोग्रामर को सही लगेगा वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उस डेटा को सॉर्ट करने के लिए वो सॉर्टिंग एल्गोरिथम यूज करेगा. ठीक है, वेरियस सॉर्टिंग मेथड्स आर एनालाइज्ड इन द केसेस लाइक. अब हर सॉर्टिंग एल्गोरिथम का बेस्ट केस भी देखेंगे हम, वर्स्ट केस भी देखेंगे, और एवरेज केस देखा नहीं जाता, बट सम केसेस में एवरेज केस को भी चेक किया जाता है. मोस्ट ऑफ द सॉर्ट मेथड वी कंसीडर हैव रिक्वायरमेंट्स दैट रेंज फ्रॉम, अच्छा, जितनी भी सॉर्टिंग एल्गोरिथम हम देखेंगे या तो उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी एन लॉग एन, या होगी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर. ठीक है, बबल सॉर्ट की जैसे आप लोगों को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताया क्या है, एन स्क्वायर. क्यों है बबल सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर, क्योंकि उसके अंदर दो लूप है. आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, या आई एम गोइंग सो फास्ट. ओके, अ सॉर्ट शुड नॉट बी सिलेक्टेड ओनली बिकॉज इट्स सॉर्टिंग टाइम, दैट इज एन लॉग एन, द रिलेशन ऑफ द फाइल साइज इज ऑल्सो मैटर. ठीक है, जरूरी नहीं है कि भाई वही सॉर्टिंग एल्गोरिथम यूज किया जाए जिसका टाइम एन लॉग एन है. एन लॉग एन कम टाइम है, मैंने ग्रोथ रेट लिखवाया था ना आपको, तो ग्रोथ रेट में एन लॉग एन किसके बाद आता है, लीनियर के बाद आता है. ठीक है, फिर आता है क्वाड्रेटिक, सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो जरूरी नहीं है कि हम वही सॉर्टिंग एल्गोरिथम लें जिसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन लॉग एन है.
समटाइम्स साइज पे भी डिपेंड करता है कि अगर ज़्यादा एलिमेंट हैं तो उनके ऊपर कौन सा सॉर्टिंग एल्गोरिथम लगाया जाए। ठीक है, जैसे रेडिक्स सॉर्ट जो है वो अगर आप किसी बुक को सॉर्ट करने बैठोगे तो रेडिक्स सॉर्ट अप्लाई होता है। मैं भी जब आप लोगों का मिड टर्म या फाइनल एग्जाम होता है तो आप लोगों की कॉपीज को सॉर्ट करके रखती हूँ। अब कितने स्टूडेंट हैं, मोर देन 100 स्टूडेंट आर देयर। अब 100 स्टूडेंट्स की कॉपीज को सॉर्ट करने के लिए अगर मैं बबल सॉर्ट अप्लाई करूंगी उस पर तो कितना टाइम लगेगा? बबल सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है एन स्क्वायर। एन इज 100, 100 का स्क्वायर मतलब मैं एक एक कॉपी को एक एक एलिमेंट से कंपेयर करके फिर जो लार्जेस्ट निकले उसको आखिर में रखूँ या जो स्मॉलेस्ट निकले उसको पहले रखूँ, तो मैं तो उस कंडीशन में बबल सॉर्ट को अप्लाई नहीं करूंगी। बबल सॉर्ट विल टेक मोर टाइम। मैं वहां पे कौन सा सॉर्टिंग एल्गोरिथम लगाती हूँ? रेडिक्स सॉर्ट लगाती हूँ जब आप लोगों की कॉपीज को सॉर्ट करके रख रही होती हूँ। रेडिक्स सॉर्ट भी हम पढ़ेंगे वन बाय वन। ओके, डिटरमाइनिंग द टाइम रिक्वायर्ड फॉर सॉर्टिंग टेक्निक इज एक्चुअली रन द प्रोग्राम एंड मेजर इज एफिशिएंसी। Once a particular sorting technique is selected, the need to make the program as efficient as possible. ठीक है, an improvement in sorting time significantly affect the overall efficiency and save a great deal of computer time. ठीक है, ये efficiency के बारे में लिखा हुआ है कि sorting algorithm की efficiency क्या होनी चाहिए। Same चीज स्पेस, अच्छा स्पेस कंटेंट्स आर यूजुअली लेस इम्पॉर्टेंट। मैंने पहले भी बताया था स्पेस को इतना ज़्यादा कंसीडर नहीं किया जाता, लेकिन जितने अब तक सॉर्टिंग के एल्गोरिथम मौजूद हैं या तो वो ऑर्डर ऑफ एन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लेता है, कितनी स्पेस नीडेड है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी कैलकुलेट की जाती है। ठीक है, या ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर लेता है। ये मर्ज सॉर्ट है जिसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। मर्ज सॉर्ट को सेम एरे चाहिए होता है जिसके अंदर वो डिवाइड करता है अपने डेटा को। जब हम मर्ज सॉर्ट पढ़ेंगे तब उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बताऊंगी आपको। सिमिलरली रेडिक्स सॉर्ट, रेडिक्स सॉर्ट को भी जब हम सॉर्ट कर रहे होते हैं तो हम 10 डिफरेंट एरेज यूज करते हैं। ये बता रहे हैं कि भाई द रीज़न स्पेस इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि मोस्टली जो डेटा सेव होता है वो ऑक्सिलरी स्टोरेज में सेव होता है, इसलिए स्पेस इज नॉट अ मैटर। जो मैटर करता है वो है टाइम। थिंग्स टू रिमेंबर, एन आइडियल सॉर्ट इज अ इन प्लेस सॉर्ट वेयर द एल्गोरिथम यूजेस नो एडिशनल एरे स्टोरेज। अभी मैंने बताया इन प्लेस सॉर्ट क्या होता है, इन प्लेस या इंटरनल सॉर्टिंग। इन प्लेस वो होता है जो कि एक्स्ट्रा स्पेस यूज ना करे, वही जो एरे का साइज है उसी के अंदर स्वैप करके चेंज करके आपको डेटा सॉर्ट करके दे दे। ठीक है, तो एक आइडियल सॉर्टिंग एल्गोरिथम क्या है, वो एक इन प्लेस सॉर्ट है वेयर द एल्गोरिथम यूजेस नो एडिशनल एरे स्टोरेज एंड हेंस इट इज पॉसिबल टू सॉर्ट वेरी लार्ज लिस्ट विदाउट नीडिंग ऑफ एक्स्ट्रा स्टोरेज। ठीक है, अ सॉर्टिंग एल्गोरिथम इज सेट टू बी स्टेबल। अभी बताया था आप लोगों को स्टेबल का होता है कि अगर दो या दो से ज्यादा वैल्यूज सेम अपेयर हो रही हैं हमारे इंटरनल डेटा में, जरूरी नहीं है कि हम जो सॉर्ट कर रहे हैं वो सिर्फ यूनिक नंबर्स ही हों। हो सकता है कि दो आइडेंटिकल नंबर भी आ जाएं, तो दो आइडेंटिकल नंबर अगर आ गए तो आउटपुट में हमारे पास वही सीक्वेंस आए जो हम इनपुट में सीक्वेंस दे रहे हैं, तो दैट सॉर्टिंग इज सेड टू बी स्टेबल सॉर्टिंग। ठीक, इन द सेम ऑर्डर आउटपुट एज दे अपेयर इन द इनपुट इन द अनसॉर्टेड अरे। सम सॉर्टिंग एल्गोरिथम आर स्टेबल बाय नेचर। कौन कौन से हैं जो स्टेबल बाय नेचर हैं? एक है इंसर्शन सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, बबल सॉर्ट, ये सारे स्टेबल हैं। इसके अंदर अगर आप सेम कीज को दे के सॉर्ट करोगे, बबल सॉर्ट अप्लाई करोगे, तो आपको आउटपुट में भी वही सीक्वेंस मिलेगा जो आपने इनपुट में सीक्वेंस दिया होगा। एंड सम सॉर्टिंग एल्गोरिथम आर नॉट, जो नहीं है वो कौन कौन से हैं? क्विक सॉर्ट इज नॉट अ स्टेबल एल्गोरिथम। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, एमसीक्यू आ जाता है, अगर आपको ये टर्म क्लियर होगी तो ही आप उसको सही कर पाओगे। ठीक है, कि भाई स्टेबल का क्या मतलब है, कौन सा एल्गोरिथम स्टेबल है कौन सा नहीं है। हीप सॉर्ट स्टेबल नहीं है, क्विक सॉर्ट स्टेबल नहीं है। क्विक सॉर्ट भी हम पढ़ेंगे, हीप सॉर्ट भी पढ़ेंगे वन बाय वन। सॉर्टिंग कैन बी परफॉर्म इन मैनी वेज ओवर अ टाइम सेवरल पीरियड एंड एल्गोरिथम आर बीइंग डेवलप्ड बाय
डेवलप टू सॉर्ट डेटा. डिफरेंट सॉर्टिंग के मेथड्स हैं, बबल सॉर्ट है, सिलेक्शन सॉर्ट है, क्विक सॉर्ट है, मर्ज सॉर्ट है, इंसर्शन सॉर्ट है, एंड फ्यू सॉर्टिंग टेक्निक्स डिस्कस. दीज आर द फ्यू टेक्निक्स जो हम पढ़ेंगे. इसके अलावा भी बहुत सारे सॉर्ट हैं, बकेट सॉर्ट है, शेल सॉर्ट है, पता नहीं कितने सॉर्टिंग के एल्गोरिथम हैं. सॉर्टिंग एक ऐसी प्रॉब्लम है जिस पे हर डिज़ाइनर या हर डेवलपर जो है अपना एक्सपेरिमेंट करता है कि हो सकता है टाइम रिड्यूस हो जाए, अपना अपना एल्गोरिथम देता है. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सेलेक्ट अ सॉर्टिंग एल्गोरिथम ओवर अनदर. अच्छा, ये जितने भी सॉर्टिंग के एल्गोरिथम हैं इनमें से हम नहीं कह सकते कि भाई दिस वन इज़ द बेस्ट, बट इन टर्म्स ऑफ टाइम बता सकते हैं कि कौन सा बेस्ट है. And there is no sorting algorithm better than all others in all circumstances. Okay. पहला sorting algorithm हम पढ़ने वाले हैं, that is bubble sort. Bubble sort को quickly पढ़ेंगे क्योंकि ये आप लोग पढ़ के आ चुके हो. ठीक है, bubble sort actually आप लोगों को पढ़ाना चाहिए. आप में से कोई है जो बता सकता है कि bubble sort में क्या होता है? क्लास में मौजूद भी हो. चलो ठीक है, जैसे चल रहा है चलने देते हैं. इन बबल सॉर्ट ईच एलिमेंट इज कंपेयर्ड विद इट्स एडजेसेंट एलिमेंट. जैसे बताया था मैंने आपको कि अगर मैं कॉपीज को सॉर्ट करने बैठूं और बबल सॉर्ट अप्लाई करूं तो इट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम, क्योंकि वो एक एक एलिमेंट को सारे एलिमेंट से कंपेयर करता है. कंपेयर करने के बाद जो लार्जेस्ट एलिमेंट है उसको सेट करता है आखिर में, या जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है उसको सेट करेगा किस पे? जीरोथ इंडेक्स पे. We begin with zeroth element and compare it with the first element. सबसे पहले first element से compare करेगा, देखेगा कि भाई दोनों में से कौन सा बड़ा है. अगर पहला वाला बड़ा होगा तो उसको swap कर देगा second element से. ठीक है, अब इस second element को compare करेगा third element से. ठीक है, in this way all the elements are compared excluding last one. Last वाले को नहीं करता क्योंकि उससे पहले वाले से उसको compare कर रहे होता है. With the next element and interchange is required. On completion, the first, अच्छा पहली iteration में क्या होता है कि भाई जो सबसे last largest element है वो अपनी actual place पे पहुंच जाता है. Second iteration में second largest, third iteration में third largest. ठीक है, ये example दी हुई है. क्या है भाई example? इसके अंदर पांच elements हैं. पांच element पे ही देखो कितना time लग रहा है, कितनी iteration लग रही हैं sort करने के लिए. सबसे पहले हम एरे के अंदर कौन कौन सी वैल्यू है? 23, 15, 29, 11 and 1. ठीक है, ये हो गया जीरोथ इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. टोटल एन इज 5 बट द अपर बाउंड इज 4. 0 to 4 इंडेक्स तक वैल्यूज हैं. पहले कंपेयर करेगा 23 को 15 से. ठीक है, 23 और 15. कंडीशन क्या चेक करेगा कि 23 इज ग्रेटर देन 15. Yes, 23 is greater than 15. Swap कर दो इन दोनों को. 15 आ गया इधर, 23 आ गया दूसरी साइड पे. ठीक, फिर क्या करेगा? फिर कंपेयर करेगा 23 is greater than 29. No, 23 is not greater than 29. Swap नहीं करेगा क्योंकि already smallest item यहाँ पर मौजूद है. I में increment होगा. फिर कंपेयर करेगा 29 is greater than 11. Yes, condition true. 29 is greater than 11. Swap then. 11 आ गया इधर, 29 आ गया इधर. फिर compare करेगा. 29 is greater than 1. Yes, 29 is greater than 1. At the end of first iteration, the largest element is at its proper place. ठीक है? पहली iteration में largest element अपनी actual position पे आ गया. अब इस element को compare ही नहीं करेगा. ठीक है? Second iteration में start हुई. सेकेंड लूप में कंपेयर करेगा 15 इज ग्रेटर देन 23. नो, 15 इज नॉट ग्रेटर देन 23. स्वैप परफॉर्म नहीं होगा. देन 23 इज ग्रेटर देन 11. यस, 23 इज ग्रेटर देन 11. स्वैप देम. 11 आ गया 23 की जगह पे और 23 आ गया 11 की जगह. ठीक, एंड कंपेयर किया. 23 इज ग्रेटर देन 1. यस, 23 इज ग्रेटर देन 1. स्वैप कर दिया. सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट इज एट इट्स प्रॉपर प्लेस. ठीक है, अब इसको कंपेयर नहीं करेगा. ठीक है, थर्ड इटरेशन इन दोनों को कंपेयर नहीं करेगा, ये दोनों अपनी एक्चुअल पोजीशन पे आ गए. ठीक है, थर्ड इटरेशन में कंपेयर करेगा 15 इज ग्रेटर देन 11. यस, 15 इज ग्रेटर देन 11.
स्वैप कर देगा, 15 11 आ गया 15 की जगह पे और 15 आ गया 11 की जगह पे. ठीक, देन कंपेयर करेगा 15 इज ग्रेटर देन 1, यस 15 इज ग्रेटर देन 1, अगेन स्वैप कर दिया 15 आ गया 1 की जगह पे, 1 आ गया 15 की जगह पे. ठीक, द थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट इज नाउ एट इट्स प्रॉपर प्लेस. ठीक है, अब ये इनको कंपेयर नहीं करेगा आगे जाके. देन दो एलिमेंट बचे, 3 तो अपनी एक्चुअल पोजीशन पे आ गए, चेक करेगा 11 इज ग्रेटर देन 1, यस 11 इज ग्रेटर देन 1, स्वैप कर देगा. इन द एंड सॉर्टेड डेटा मिल गया, दिस इज कॉल्ड बबल सॉर्ट. ये आप लोग पढ़ के आ चुके हैं, बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट भी किया होगा आप लोगों ने, इम्प्लीमेंट भी किया होगा आप लोगों ने और समझ में भी आया होगा. ऐसा ही है, क्लियर है ये? चलें आगे. यहाँ पे इसका कोड दिया हुआ है, ठीक है, इसके कोड को देखने की जरूरत नहीं है, ये सारी वही चीज है जो भी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन की है. अल्गोरिथम अगर आप बोलो तो मैं इसका लिख देती हूँ, इसका अल्गोरिथम क्या है, लेट मी राइट इट डाउन इन सिंपल टर्म्स. क्या होगा इसका अल्गोरिथम? सबसे पहले एक फंक्शन बनाते हैं, क्या बबल सॉर्ट, इट इज टेकिंग ए कॉमा एन. व्हाट इज ए? ए इज द एरे, एन इज द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज इनसाइड दैट एरे. ठीक है, पहले सबसे पहले फॉर लूप, फॉर लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा? फॉर आई इक्वल टू 0, I is less than n, I plus plus. ठीक है, पहला लूप चलेगा यहाँ से यहाँ तक. देन इस फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप है, j इक्वल टू 0. अच्छा, पहला वाला लूप 1 से चलेगा, 1 टू लेस देन n. सेकेंड लूप चलेगा j इक्वल टू 0, j इज लेस देन n माइनस के जे प्लस प्लस. ठीक है, सेकेंड लूप चलेगा n माइनस के तक. यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन क्या चेक करेगा? इफ a ऑफ j इज ग्रेटर देन a ऑफ j प्लस 1. ठीक है, अगर a ऑफ j इज ग्रेटर देन a प्लस 1, देन क्या करे? स्वैप कर दे ये दोनों वैल्यूज, स्वैप a of j with a of j plus 1. ठीक है, if की बॉडी क्लोज, इंटरनल फॉर लूप क्लोज, एक्सटर्नल फॉर लूप क्लोज. ठीक है, ये है इसका अल्गोरिथम और ये है इसकी इम्प्लीमेंटेशन इन सी. इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसी तरीके से इम्प्लीमेंट करो, आपकी मर्जी, आप किसी और तरीके से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो. ठीक है, अगर इसको एक दफ़ा दोबारा से देख लेते हैं, कौन से वैल्यूज लेते हैं? 2, 3, 1, 1, 5. ठीक है, यहाँ पे एक रिपीटेड वैल्यू ले ली मैंने, ये होगा 0th इंडेक्स पे, 1st, 2nd, 3rd एंड 4th इंडेक्स. n की वैल्यू क्या है? n इज 5, n इज द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज प्रेजेंट इन साइड दैट एरे. n की वैल्यू क्या हो गई? n की वैल्यू हो गई 5 हमारे पास. ठीक है, पहला लूप चलेगा फॉर लूप i इक्वल टू 1 टू i लेस देन n. ठीक है, i की वैल्यू 1, कब तक चलना है इसने? फर्स्ट लूप ने चलना है लेस देन n, लेस देन 5 तक चलना है. ठीक है, 1 से हमने स्टार्ट किया, 1 इज लेस देन n, यस 1 इज लेस देन n. इनर लूप में आया, इनर लूप में, इनर लूप कहाँ से कहाँ तक चल रहा है? 0 से स्टार्ट लिया है. ठीक है, पहला इटरेशन कहाँ से कहाँ तक चलेगी? n माइनस के. ठीक है, n की वैल्यू क्या है? n इज 5, 5 माइनस के, अच्छा यहाँ के नहीं आएगा, i आएगा. ठीक है, करेक्ट इट डाउन, इट इज i, देयर इज नो k वेरिएबल इन इट, इट इज i, n माइनस i तक चलेगा. ठीक है, i की वैल्यू क्या है? 1. ठीक, 5 माइनस 1 इज 4. इनर लूप चलेगा कहाँ से कहाँ तक? 0 टू
ओके इनर लूप चलेगा 0 टू n माइनस i, n माइनस i क्या है 5 माइनस i, 5 माइनस 1, इनर लूप चलेगा 4 तक. ठीक है ओके चेक करते हैं भाई पहली कंडीशन इनर लूप ने 4 तक चलना है. स्टार्ट किया है किससे 0 से, 0 इज लेस देन 4 या 0 इज लेस देन 4. ठीक पहले चेक करेगा a ऑफ j, a ऑफ 0 पे क्या है 2, 2 इज ग्रेटर देन 3, नो 2 इज नॉट ग्रेटर देन 3, स्वैप परफॉर्म नहीं होगा, j में इंक्रीमेंट हुआ, j की वैल्यू हो गई 1, 1 इज लेस देन 4, यस 1 इज लेस देन 4. कंपेयर करेगा a ऑफ j को a ऑफ j प्लस 1 से, a ऑफ j पे क्या है 3, 3 is greater than 1, yes 3 is greater than 1, swap कर दो भाई इन दोनों को. ठीक है ये दोनों swap हो गए, क्या हो जाएगा 2 1 3 1 5. ठीक है पहला swap j में increment हुआ, j की value हो गई अब क्या 3. ठीक है 3 is greater than 3, एक सेकंड j plus 1 पे क्या है हमारे पास 1. ठीक है j प्लस 1 पे क्या वैल्यू है हमारे पास, j प्लस 1 पे वैल्यू है हमारे पास 1. 3 इज ग्रेटर देन 1, यस 3 इज ग्रेटर देन 1, क्या होगा ये दोनों वैल्यूज आपस में स्वैप हो जाएंगी. ठीक है क्या आ गया 2 1 1 3 एंड 5. ठीक है j में इंक्रीमेंट हुआ, j की वैल्यू हो गई क्या 4. ठीक है j की वैल्यू थी, j की वैल्यू सबसे पहले थी 0 1 2 3, अब j की वैल्यू क्या हो गई, j की वैल्यू हो गई 3. 3 इज लेस देन 4, लूप ने कहां तक चलना है लेस देन 4 तक, यस 3 इज लेस देन 4. कंपेयर करेगा a ऑफ 3 पे जो वैल्यू है व्हिच इज 3 प्लस 1 से. ठीक है j प्लस 1 से, a ऑफ j पे है 3, 3 इज ग्रेटर देन 5, नो 3 इज नॉट ग्रेटर देन 5, स्वैप नहीं होगा. ये वैल्यूज एट द एंड ऑफ फर्स्ट पास द लार्जेस्ट एलिमेंट इज एट इट्स प्रॉपर प्लेस. ठीक है अब क्या हुआ, i में इंक्रीमेंट हुआ, i की वैल्यू हो गई, पहले i की वैल्यू थी 1, अब i की वैल्यू हो गई 2. ठीक है आउटर लूप ने कब तक चलना है, लेस देन 5 तक चलना है. ठीक है i की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो गया, अब इनर लूप में, इनर लूप चलेगा n माइनस i तक. ठीक है आउटर लूप हो गया, ये हो गया 2. ठीक है इनर लूप चलेगा n माइनस i तक. सबसे पहले स्टार्ट किया j की वैल्यू 0, j कब तक चलेगा, j तब तक चलेगा जब तक n माइनस 5, n इज 5, 5 माइनस 2 इज नाउ 3. देखो अब ये वो वाला एलिमेंट राइट पोजिशन पर पहुंच गया, उसको कंपेयर ही नहीं करेगा. ठीक है 3 तक चलेगा n माइनस i, n इज 5, 5 माइनस i इज 3. ठीक है दोबारा से कंपेयर करेगा, इस इनर लूप की बॉडी के अंदर आया, एट द एंड ऑफ फर्स्ट पास हमारे पास ये है, ये इनपुट जाएगा, दिस वुड बी द इनपुट फॉर द सेकंड पास. ठीक पहले कंपेयर करेगा 2 को 1 से, 2 इज ग्रेटर देन 1, यस 2 इज ग्रेटर देन 1, स्वैप कर दो भाई 1 2 1 3 5. ठीक है जी में इंक्रीमेंट हुआ, जे की वैल्यू पहले 0 थी, अब जे की वैल्यू हो गई 1. ठीक है कंडीशन ट्रू, j इज 1 इज लेस देन 3, यस 1 इज लेस देन 3. a ऑफ 1, a ऑफ 1 पे क्या है, a ऑफ 1 पे है हमारे पास 2, 2 को कंपेयर करेगा 1 से, 2 इज ग्रेटर देन 1, यस 2 इज ग्रेटर देन 1, स्वैप कर दो 1 1 2 3 5. अगर आप देखो आपका डेटा ऑलरेडी सॉर्ट हो गया है, सॉर्ट हो गया है, लेकिन इसके बावजूद अपर आउटर लूप भी कंप्लीट चलेगा, इनर लूप भी कंप्लीट चलेगा. ठीक है अभी j में इंक्रीमेंट हुआ, j की वैल्यू हो गई 1 से क्या 2, 2 इज लेस देन 3, यस 2 इज लेस देन 3. कंपेयर करेगा सेकंड इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको थर्ड इंडेक्स वाली वैल्यू से, सेकंड इंडेक्स पे क्या है 2, 2 इज ग्रेटर देन 3, नो 2 इज नॉट ग्रेटर देन 3, स्वैप परफॉर्म नहीं होगा. ठीक है j में इंक्रीमेंट हुआ, j की वैल्यू हुई 3, 3 इज लेस देन 3, कंडीशन फॉल्स, 3 इज नॉट लेस देन 3, लूप से बाहर आ गया, बाहर आ गया. अब ये दोनों एलिमेंट को कंपेयर नहीं करेगा, ये अपने एक्चुअल पोजीशन पे आ गए हैं. ऑल्दो पूरा एरे हमारा सॉर्ट हो गया है, लेकिन आउटर लूप भी कंप्लीट चलेगा, इनर लूप भी कंप्लीट चलेगा. ठीक है अब आई में इंक्रीमेंट हुआ, आई की वैल्यू 2 से क्या हो गई अब
3 3 5 यस 3 5 इनर लूप में आया, इनर लूप चलेगा एन माइनस आई तक, एन है 5 5 माइनस 3 इनर लूप चलेगा हमारा, इनर लूप चलेगा 2 तक, ठीक है, जब तक 0 इज लेस देन 2, ठीक है, एन माइनस 3, 5 माइनस 3 इज 2, पहले चेक करेगा ए ऑफ 0 पे क्या है, ए ऑफ जे इज 0, ए ऑफ 0 पे है 1, 1 इज ग्रेटर देन 1, नो नो स्वाइपिंग परफॉर्म, आई में इंक्रीमेंट हुआ, आई की वैल्यू हो गई 1, 1 इज 1 और सेकंड इंडेक्स को कंपेयर करेगा, 1 इज ग्रेटर देन 2, नो 1 इज नॉट ग्रेटर देन 2, जे में इंक्रीमेंट हुआ, जे की वैल्यू हो गई 2, लूप टर्मिनेट हो गया, टर्मिनेट होने के बाद अगेन आई में इंक्रीमेंट हुआ, आई की वैल्यू हुई 4, इसी तरीके से आई की वैल्यू होगी 5, 5 होने के बाद लूप टर्मिनेट हो जाएगा, देन एग्जिट, ठीक है, ये है बबल सॉर्ट, दिस इज नॉट एफिशिएंट एल्गोरिथम, क्यों नहीं है, क्योंकि आपका डेटा सॉर्ट होने के बावजूद भी आपके अपर आउटर लूप और इनर लूप कंटिन्यूसली चल रहे थे, क्लियर है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को, और ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, ठीक, अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर बबल सॉर्ट इज कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ कंपैरिजंस एफ ऑफ एन और नंबर ऑफ लूप्स, अब नंबर ऑफ कंपैरिजंस पहले वाला लूप भी जो था वो कंप्लीट चल रहा था एन माइनस वन तक, सेकेंड लूप भी एन माइनस आई तक चल रहा था, तो टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजंस को जब आप ऐड करोगे इन टर्म्स ऑफ फंक्शन तो ये इक्वेशन बनती है दैट इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, अगर इसको आप रैम मॉडल से निकालोगे तो रैम से मैंने आप लोगों को एक फॉर लूप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकलवाई हुई है, उसके अंदर सिर्फ जितने बी की वैल्यू चेंज करोगे तो आपको बी तब भी टाइम क्या मिलेगा इस बबल सॉर्ट का ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, ठीक है, अब चाहे बेस्ट केस हो वर्स्ट केस हो एवरेज केस हो, ठीक है, अब हमारा डेटा सॉर्ट हो गया था इन फ्यू कंपेरिजन्स बट हमारा जो फॉर लूप था वो कंप्लीट चल रहा था जो हमने उसको दिया हुआ था, ठीक है, बेस्ट केस क्या कह रहा है सॉर्ट, अगर हम सॉर्टेड डेटा पे बबल सॉर्ट अप्लाई करें, ठीक है, सॉर्टेड डेटा पे हमने सॉर्ट एक वैल्यू दे दी, वही सॉर्टेड वैल्यूज हैं बबल सॉर्ट लगा रहे हैं तो भी दोनों एल्गोरिथम दोनों लूप जो है वो कंप्लीट चलेंगे, ठीक है, इसी तरीके से वर्स्ट केस क्या है, वर्स्ट केस है भाई सपोज अरे कंप्लीटली डिसऑर्डर है 5 4 3 2 1 तब भी इसको सॉर्ट करने के लिए हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या निकलेगी इसकी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, इन एवरेज केस में भी इससे प्रीवियस एग्जाम्पल जो हमने की थी वो एवरेज केस था क्योंकि कुछ सॉर्टिंग के बाद हमारा डेटा सॉर्ट हो गया था लेकिन फिर भी आपके जो दोनों लूप्स थे वो कंप्लीट चले थे, तो बेस्ट केस वर्स्ट केस एंड एवरेज केस बबल सॉर्ट का तीनों क्या है ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर एन स्क्वायर एन स्क्वायर, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है ऑर्डर ऑफ एन, एन क्या था एन इज द नंबर ऑफ वैल्यूज प्रेजेंट इनसाइड द एरे, क्लियर है यहाँ तक,